हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। फूड मेनिया वसीखा में मैं सीखा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ मसाला एग करी की रेसिपी। तो आइए देख लेते हैं रेसिपी। मसाला एग करी बनाने के लिए हमने अंडा और आलू पहले से ही बॉईल करके और छील कर रख लिया है। अंडा और आलू दोनों के ऊपर हम इस तरह से कट लगा देंगे, इसे ये अंदर तक मसालेदार हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमने आलू और अंडे दोनों पर ही कट्स लगा दिए हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें कट्स लगा लेना है। इस तरीके से आप मसाला एग करी की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। अंडे और आलू दोनों में हमने कट्स लगा लिए। अब इधर हमने लिया है 2 मीडियम साइज़ का टमाटर, 3 से 4 हमने लिए मीडियम साइज़ की प्याज, 15 से 20 कली लहसुन, 2 इंच अदरक का टुकड़ा। इनका हम पेस्ट बना लेंगे, जिसमें टमाटर का पेस्ट हमें अलग बनाना है और बाकी चीज़ों का पेस्ट हम एक साथ बना लेंगे। कढ़ाई में हमने डाला है 4 से 5 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसमें अंडे को पहले फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखा है, इसे हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंडे को फ्राई करते वक्त आप बहुत ही सावधानी से इसे फ्राई करें, क्योंकि कितनी बार होता है ना कि अंडे फ्राई करते वक्त अंडा फट जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, थोड़ी सी दूरी में रहकर ही अंडे को फ्राई कर लें। उसी तेल में हम आलू को भी फ्राई कर लेंगे, जिसे हमने बॉईल करके और छील कर रखा था। इसमें भी हमने कट्स लगाए हैं। गैस का फ्लेम हमने अभी फुल कर दिया है ताकि आलू कढ़ाई में चिपके ना, और इसे भी हम बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। ये देखिए आलू भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। आलू और अंडे दोनों ही फ्राई हो चुके हैं। अब उसी तेल में हम डालेंगे फोरन। फोरन में हमने लिया है जीरा, दालचीनी, छोटी इलायची, जावित्री, लौंग, काली मिर्च। इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद डालेंगे तेज पत्ता। साथ ही में हम डालेंगे 2 सूखी लाल मिर्च और 2 साबुत लहसुन डालेंगे इसके अंदर। लहसुन को हम अच्छे से इसके अंदर भुनने देंगे, उसके बाद हम इसमें प्याज लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। ये देखिए पेस्ट हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, इसे हम 1.5 से 2 मिनट तक भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। मुझे तो ये मसालेदार एग करी की रेसिपी बहुत पसंद है। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मसाले को हमें तब तक भुनना है जब तक कि मसाला अच्छे से भुनने के बाद तेल ना छोड़ने लगे। इसमें हम ऐड कर देंगे नमक, मसाले भी साथ ही भुन जाए इसके लिए हम मसाला भी ऐड कर देंगे। घर में मौजूद बेसिक मसालों के साथ जब ये मसाला अंडा करी की रेसिपी आप ट्राई करेंगे तो आप सोचेंगे कि आपको ये रेसिपी पहले क्यों नहीं पता थी। इसके लिए हमने ली है धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और साथ ही में हमने लिया है 1/2 छोटा चम्मच चिकन मसाला। मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए मसाला भूनते हुए 10 मिनट हो चुका है, मसाला अच्छे से भून चुका है। इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। आप इस तरीके से मसाला एग करी की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। मसाला अच्छे से भून चुका है, अब इसमें हमने डाल दिया है पानी। पानी आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो उसके हिसाब से डालें। ये हमने 1 कप के करीब पानी इसके अंदर डाल दिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम आलू और अंडा, जिसको हमने फ्राई करके रखा था। गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम कर देंगे और इसे ढककर 20 मिनट तक पकने देंगे। 20 मिनट के बाद ये देखिए मसाला एग करी हमारी तैयार है, हमने इसे सर्व कर दिया है। आप इसे रोटी, चावल, पराठे के साथ सर्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।